अपना काम करो यार, नींबू मिर्च से कुछ नहीं मिलने वाला। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है यार 8 मार्च मंडे, और अभी बज रहे हैं रात के 11:50। या सो अब हो रहे हैं 11:50। व्लॉग, मेन व्लॉग फिर से कल का होने वाला है, मगर शूट आज से मैंने शुरू कर दिया है। और सेकेंड सेमेस्टर का आज था फर्स्ट डे। तो यार कल है 9 मार्च, और कल थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो मतलब खास सा दिन है। अब क्या है वो 2 मिनट में शायद पता चल ही जाएगा सबको। तो अब एक मैसेज आया है मुझे, मैसेज देखते हैं थोड़ा। कौन है भाई ये? हेलो, वाह यार, मतलब एकदम सही टाइम पे विश कर दिया है उसने। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। यार अभी रात के 12 बज चुके हैं और क्लब की है मीटिंग, तो मीटिंग ज्वाइन करते हैं। मीटिंग के कुछ शॉट्स भी आपको दिखा देते हैं, सो लेट्स गो देन। और वेट दोनों ही है। अच्छा आ गया एक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सबको, थैंक यू सबको। इसको कंटेंट मिल रहा है। अरे ये अभी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, व्लॉग बनाने का मौका नहीं छोड़ना। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। देखो बनाया ही होगा। रानू ने पीछे का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ब्रो। हेलो, हैप्पी बर्थडे चुपो। थैंक्स प्रीति। तो यार ये अभी चल रही थी, चल रही है, वैसे चल रही है मीटिंग। एक सेकंड, थोड़ा इसे म्यूट कर लेते हैं। तो मीटिंग चल रही है अभी, मीटिंग बेसिकली बर्थडे का ही मीट है। तो अभी आज यार 2 लोगों का बर्थडे है, एक आज मतलब 12 तो बज चुके हैं। हाँ तो आज 2 लोगों का बर्थडे है, एक तुम्हारे भाई का तो है ही, ऊपर से हमारे जो क्लब के वाइस प्रेसिडेंट है उत्कर्ष भी है, उनका भी आज बर्थडे है। तो यार मीटिंग हो चुकी है समाप्त, और अभी रात के 1 बज रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो 6 बजे उठना भी पड़ता है। तो अभी सो जाते हैं, फिर व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्लीप देन। तो कैसे हैं आप लोग? ए कॉपी कर रहा है रे। किसने बोला कॉपी कर रहा हूं? किसने? मोहित। तो यार आज का दिन है काफी सुहाना, आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे। तो फिर अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है। 1 घंटे बाद जाएंगे बर्थडे एकदम ब्लास्ट के साथ सेलिब्रेट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके। आज बेसिकली हमारे कॉलेज का जो है सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है, आज नहीं कल शुरू हुआ था, तो आज पढ़ाई शुरू हुई है। कल तो बस इंट्रोडक्शन क्लास था, तो फिर किताबें खुली नहीं, पेन चली नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कुछ। खैर तो अब हमारा जो टाइम टेबल है यार, जो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल था वो ऐसा था कि 11 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रहे थे और अब 8 बजे, तो सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। तो अभी क्लासेस है, क्लासेस अटेंड करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आज के दिन में जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे, क्योंकि वैसे ही कॉलेज खुली नहीं है, तो फिर बर्थडे की जो सेलिब्रेशंस होने वाली होती है वो तो होनी है नहीं अब, तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, आगे चल के दिखाते हैं। तब तक क्लासेस अटेंड करते हैं, चलो फिर होगी सेलिब्रेशन। अभी क्लासेस हो चुकी है सुबह की सारी खत्म, और अभी 11:50 हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर यार कुछ ऐसी ही गई कि पढ़ाई वगैरह कुछ ज्यादा हो नहीं सकी। अगला सेम फोड़ेंगे वाली जो साइकिल स्टार्ट हुई है उसे ज्यादा आगे ना बढ़ा के यहीं पे ब्रेक मारने के लिए हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि अब से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। तुमसे ना हो पाएगा। अब यार एक ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे पता लगने लगी है, जो कि हर एक इंडियन स्टूडेंट के लाइफ में
एक बार तो होती है, तो वो मैं बोलूंगा तो सही नहीं लगेगा, इसीलिए माहौल बना करके दिखाते हैं विदाउट शायरी। मैम ये फोर्थ चैप्टर एग्जाम में नहीं आने वाली है? नहीं बेटा, वो फोर्थ चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तो तुमसे हो नहीं रही, तो ये क्या घंटा होगा तुमसे, इसलिए हमने स्किप कर दिया उसको। वैसे भी कॉलेज में पढ़ा देंगे। ठीक है सर, ये फोर्थ चैप्टर सिलेबस से कट गया क्या? क्या कट गया? किसने कहा कट गया? है सिलेबस में, आशिक थोड़ी है कि कट गया, चैप्टर है भाई। सर शायद आपने पढ़ाया नहीं, मतलब मिस हो गया आई गेस। जब मिस नहीं किया बेटा, मिस नहीं किया। एक्चुअली वो तो तुमने स्कूल में पढ़ाई होगा ना। तो खाना खाने से पहले यार मैं बोल चुका हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है कॉलेज का, तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए अभी सीआर के इलेक्शंस हो रहे हैं आज, तो पूरे राजनीति का चुनावी माहौल चल रहा है और कैंडिडेट्स के लिस्ट में अपना नाम भी शुमार है। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। देखते हैं जरा, टेलीग्राम पे पोल चल रहा है वोटिंग का, तो फिर देखते हैं किसको ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो कुछ एक दो वोट्स हमें मिले हैं या फिर गजब बेइज्जती करने का प्लान है, देखते हैं जरा सा रिजल्ट। 94 से 38 वोट्स हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। मौज आ गई यार, मौज। फिर चलते हैं अभी लंच करने के लिए, लंच करने के बाद फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। सो लेट्स गो देन। लंच तो खत्म हो गई गाइस, मगर जिंदगी के दुख दर्द खत्म नहीं हो रहे, पर आप सबको तो पता ही होगा, नहीं पता तो अब पता लगा लो कि यार एक इंडियन इंजीनियर की जिंदगी में गम गम और रम की कोई कमी नहीं होती, वैसे तीसरे वाले की होती है। YouTube पे आए हैं तब से, इतने सारे वीडियोस डाल चुके हैं, सब्सक्राइबर ढंग से बढ़ नहीं रहे, मुश्किल से 300 सब्सक्राइबर टच किया है अभी, तो यार हमने सोचा कि क्यों ना इस बार YouTube पे चलते हैं फिर से और जानने की कोशिश करते हैं कि अपने जिंदगी को, जीवन को मंगलमय बनाने के राज क्या है। ये एक मस्त वीडियो मिला है, दुकान में चुंबक की तरह ग्राहक खींचने की उपाय। वैसे आई थिंक ये काफी ज्यादा अपने लिए भी एप्लीकेबल होगा, अगर हम YouTube को एक दुकान के साथ कंपेयर करें और जो व्यूज आते हैं वो जनरल पब्लिक, सब्सक्राइबर्स, अपने बायर्स, तो वैसे कर सकते हैं कस्टमर्स, तो वैसे देख सकते हैं इसे। चलते हैं इसी पे चलते हैं। भाई न्यूज़ सा फील नहीं आ रहा एकदम, मतलब ये मैं टोटके बता रहा है कि न्यूज दिखा रहा है। आज मैं आप लोगों को बीच में बताने जा रहा हूँ, तो आज ये हमको बीच में बताने जा रहे हैं कि आपके दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ेगा, कि आपके दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे नहीं, ग्राहक बढ़ेगा मतलब एक बंदा। आप कारोबार कर रहे हैं लेकिन आपकी दुकान चल नहीं रहा है, तो बीच में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एकदम बीच में ले जाते हैं। शनिवार के दिन में एक हरा कागजी नींबू लीजिएगा, एक नींबू, कागजी नींबू मतलब क्या, और हरे कागजी नींबू सबसे नीचे रहेगा, ई लाइम, अच्छा वही वाली है, ऐसे वही वाली नींबू है, और ऊपर में 7 हरा मिर्च, मिर्च भी 7 लेनी है, एक मिर्च से नहीं, धागो में पिरो करके आपकी प्रतिष्ठान में आपको लगाना है। मिर्च सब कुछ आ चुकी है, पूरी सप्लाई हो चुकी है, लैपटॉप थोड़ा साइड हटाते हैं। पहले सब्सक्राइबर्स चेक कर लेते हैं यार, थोड़ा लैपटॉप में टाइम लगेगा, फोन में थोड़ा सब्सक्राइबर्स चेक कर लेते हैं। तो सब्सक्राइबर्स दिख चुके हैं आपको, अभी ये लगा करके आएंगे और फिर चेक करेंगे कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं। अब यार नींबू मिर्च लेके हम आ चुके हैं बाहर, इसे यहीं पे लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बाहर थोड़ा काम चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, तो अब इसे लगा देते हैं ऊपर, फिर किस्मत खुल जानी अपनी, पैसा ही पैसा होगा।
तो नींबू मिर्च अपनी लग चुकी है, अब किस्मत खुलने वाली है, पैसा ही पैसा। सब्सक्राइबर्स चेक करते हैं एक बार, एक्सपेक्टेड है और कुछ करीब 400 के आसपास तो हो जाने चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत जो लगी है इसमें। चलते हैं अब सब्सक्राइबर्स चेक करने के लिए। सो यार, वी आर बैक इन द रूम अगेन। नींबू मिर्च लटकाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है, अब देखते हैं फिर से सब्सक्राइबर्स कितने हुए। तो यार अभी नियरली 3 बज रहे हैं, तो चलते हैं अभी वॉक करने के लिए। वॉक के लिए कपड़े भी पहन चुका हूँ, रेडी कम्प्लीटली। और अभी टाइम मिला तो अभी मंदिर वगैरह जाना है, फिर उसके बाद केक वेक काटना है। यार खैर, अपने जो स्कूल वाले काफ़ी सारे दोस्तों के कॉलेजेस खुल गए तो वो अपने कॉलेज जा चुके हैं, और जो दोस्त अपने कॉलेज वाले हैं उनके तो खैर अपनी तो कॉलेज ही नहीं खुली, तो बर्थडे सेलिब्रेशन अकेले ही घर में करनी पड़ रही है। तो लेट्स गो। गाड़ी कैसे पार्क करना और कम स्पेस का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। बस आज के लिए इतना ही। एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, लाइक शेयर। सही में लाइव ठीक है, मेरे को कोई बता देता है। नहीं लाइव नहीं है। क्या लाइव? लाइव नहीं था लेकिन व्लॉग तो बनाएगा। उसको डाल लेगा। अरे अपना गेम जाएगा ना। अरे व्लॉग का सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस बनने वाला है। So guys, that's all for this online virtual birthday celebration वाली vlog. I hope आपको ये vlog अच्छा लगा होगा। अब यार जो CR की election थी वो भी अमन धतरवाल भैया के नक्शे कदम पर चलते हुए जीत चुके हैं हम majority के साथ। गठबंधन से ये हम जीते हैं, तो अभी दो CR है, दो boys CR है और एक girls CR। तो फिर जो semester exam है first semester की वो online हो जाए इस बार, चांसेस है यार। अब तक जो सेनेट मीटिंग हुई है उससे फाइनल कुछ आया नहीं है, और आगे सीआर की जिंदगी सेमेस्टर कैसी चल रही है, और बहुत सारे और जगहों में भी घूमने जाना है तो वहां के ट्रैवल व्लॉग्स भी आपके लिए आ रहे होंगे। फॉर दैट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन भी दबा देना, उसे ऑल पे कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में अगले हफ्ते। ट्राई तो कर रहे हैं हर हफ्ते वीडियो डालने का। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन बाय।